हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको कुछ अक्षर पढ़ाऊंगी हिंदी में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला है अ। ऐसे क्या होता है? अनार होता है। यह है रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का। रेड कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल लाल बोलते हैं, लाल बोलते हैं। हमारा ये किस कलर का अनार है? लाल रंग का, यानी रेड कलर का। देखिए ये किस तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे हाफ कर फिर फुल कर, इस तरीके से ये हमारा ए बना हुआ है। ऐसे अनार, ऐसे अनार के दाने लाल, मुन्ना खा कर हुआ निहाल। ऐसे अमरूद भी बनता है, ऐसे अजगर भी बनता है, ऐसे अनानास भी बनता है, ऐसे अदरक भी बनता है। अब देखो दूसरा चित्र किस चीज़ का है? आम। किस चीज़ का है? आम। ये किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, और ये गर्मियों में आता है। आम फलों का राजा भी होता है। तो पढ़ो मेरे साथ, आज से आम रसीला ताजा, सभी फलों का है यह राजा। आज से आलू भी बनता है, आज से आट भी बनता है, आज से आग भी बनता है, और आज से आँख भी बनती है। ये इस तरीके से आज से ये शब्द बनते हैं। फिर आइए ई से क्या है? इमली। इमली कैसी होती है? इमली बड़ी खट्टी खट्टी मीठी मीठी होती है, और इनको छोटे बच्चे कम खाते हैं, बड़े बच्चे ज़्यादा खाते हैं। तो कैसी होती है देखो, ई से इमली प्यारी प्यारी, खट्टी मीठी सबसे न्यारी। ई से इंजन भी होता है, ई से स्त्री भी होती है, ई से इमारत भी होती है, ई से इनाम भी होता है। फिर आइए बड़ी ई से ईंक। ई से ईंक मीठा है लगता, गुड़ चीनी इससे है बनता। ईंक किसे कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। गन्ना कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। गन्ने से क्या बनता है? गन्ने से चीनी भी बनती है, गन्ने से रस भी बनता है। तो देखिए ई से क्या क्या बनता है? ई से ईट, ई से ईद, ई से ईश्वर, ई से ईंधन। ये सब हमारे बड़ी से ईंक से बनते हैं। अब आ जाइए छोटे उसे उल्लू। क्या है ये? छोटे उसे उल्लू। उल्लू कैसा होता है? जो रात में जागता है और दिन में सोता है। यह खेतों में भी पाया जाता है, जंगल में भी पाया जाता है। उसे उल्लू, उसे उल्लू रात को जागे, दिन निकले तो डर कर भागे। यह दिन में डर जाता है। उसे उस्तरा, उसे उपहार, उसे उड़न खटोला, उसे उपवन। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम भी इनसे बनते हैं। अब आ जाइए बड़े उसे ऊँट। उसे ऊँट चलता जाए, रेगिस्तान का जहाज कहलाए। ऊँट जो है बड़ा लंबा होता है और रेगिस्तान में चलता है, इसे रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है। उसे ऊन भी होती है, उसे ऊद बिलाव भी बनता है, उसे उषा होती है, उसे ऊहनी होती है। आगे आइए ऋषि। ऋषि, ऋषि तो आपने देखे होंगे जो तपस्या करते हैं, ये सब देखे हैं ना आपने बच्चों? कैसे होते हैं ऋषि? जो कि तपस्या करते हैं। ऋषि ऋषि ध्यान लगाते, अच्छी अच्छी बातें समझाते। ऋषि ऋण भी होता है, ऋषि ऋषभ भी होता है। अब आ जाइए अभ्यास। चित्रों का सभी
सही अक्षर से मिलान कीजिए। इधर भी चित्र दिए हैं, इधर भी दिए हैं और बीच में इनके अक्षर दिए हैं, इन्हें आपको मिलान करना है। इसे क्या बनता है? ईंट। ऐसे क्या बनता है? अजगर। ऋषि ऋषि। उसे उपहार। आसे आलू। इसे इमारत। उसे ऊंट। आगे आ जाइए, टर्न योर पेज। ऐसे एडी। एडी सभी के पैरों में नीचे एडी होती है ना, सुंदर सुंदर एडी होती है। ऐसे एडी तुम भी उठाओ, मेरे कदम से कदम मिलाओ। ऐसे एकता भी। ऐसे एक, एक से एक तारा। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक साफ दिखलाता, धूप धूल से हमें बचाता। ऐनक किसे बोलते हैं बच्चों? चश्मे को बोलते हैं। सभी छोटे बड़े आजकल चश्मा लगाते हैं तो इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं? ऐनक। ऐसे ऐरावत। ऐसे एस्टक भी बनता है। ओसे ओखली। ओसे ओखली कितनी सुंदर, कुछ भी कूटो इसके अंदर। ओसे ओस भी बनता है। ओसे ओढ़नी। ओसे ओला। औसे औरत। औसे औरत होती महान, सदा करो इनका सम्मान। ओसे औषधि। औसे औजार। औसे औलाद। ये नाम भी इनसे बनते हैं। अंग से अंगूर, काले पीले खाने पर लगे रसीले। अंगूर काले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, सबको बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। तो कैसे होते हैं? और अंग से क्या क्या बनता है? अंग से अंगूठी, अंग से अंगूठा, अंग से अंडा। आहा। आहा से कुछ नहीं है, ये है खाली, सभी बजाओ मिलकर ताली। आहा से कुछ नहीं बनता है बच्चों, क्या होता है? खाली होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। बाय बाय।